वाटर हो तो क्या चक्कर निकले जा रहे हैं आप? हार्डनेस चेक करेंगे अभी। ये 25 ml वाटर ले लिया मैं। ओके उसमें हार्डनेस चेक करने के लिए pH 1 पहले डालेंगे। ठीक है pH 1 डालने के बाद pH 2 डालेंगे। अभी pH 2 एक 10 ड्रॉप डालेंगे। 10 ड्रॉप का मतलब कितना हार्डनेस होता है? 10 ड्रॉप का मतलब कुछ हार्डनेस नहीं आएगा, अभी पिंक कलर आ जाएगा। ओके कितना ड्रॉप डाला? 10 ड्रॉप डालने के बाद इसको थोड़ा हिलाएंगे, अब हिलाने के बाद ये पूरा पिंक कलर आ जाता है। पिंक कलर होने के बाद इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग TH4 डालेंगे। दिखाओ केमिकल, दिखाओ TH4। ओके TH4 मतलब कितना ड्रॉप डालेगा? एक ड्रॉप को 2 ppm, एक ड्रॉप 2 ppm, 2 ppm आएगा। ओके अभी इसका हिसाब से हम लोग को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे। कितना ड्रॉप डाल दिया? 64 डाला है। 64 ड्रॉप मतलब 64 into 2। 65 66 67 69। इसका मतलब पिंक से पूरा ब्लू होना चाहिए। पूरा ब्लू हो गया। अबे 90 ड्रॉप डाला है। मतलब 180 आ गया। 180 हार्डनेस है। 180 ppm है। ठीक है।